छोड़ी देता सैया पियल दारू बियारिया छोड़ी देता राजा पियल दारू बियारिया नहीं खे जुटात घर में दाल तारा करिया आज हाँ पहला मिलनवा मिलल के सजनवा हमार बनियन खिलाल बा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी दबे पावैह नजरिया बचा के के पाला के के पाला के के पाला के, के पाला, बंद हर बंद सिकड़िया सिक बजेह नजरिया चुरा के पूरे अश्लीलता भरे दौर में अगर एक साफ़ सुथरा और स्वच्छ गाना अगर हिट हो जा रहा है एक मिलियन चला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अच्छे सुनने वाले भी लोग हैं नई झुलनी के छैया बलम दुपा हरिया ला हो नई झुलनी के छैया बलम दुपा हरिया ला हो फिरत बनी ना बाटे सड़िया काटा फट पहत बनी क्या बाते? ना बाटे सड़िया बात घर में दाल तार कर साथियों नमस्कार इस वक्त आजमगढ़ जिले के सुर स्टूडियो में हैं और हमारे साथ एक बेहतरीन गायिका आरती भारद्वाज हैं जिनका एक गाना इतना वायरल हो रहा है सामाजिक गाना है इतना वायरल हो रहा है कि ज़ीरो सब्सक्राइबर का एक चैनल उस पर ये गाना रिलीज़ होता है और आज उस गाने ने एक मिलियन कम्प्लीट कर लिया सब्सक्राइबर जो भी हो, लेकिन गाने के बोल गाने की जो बनावट है उसके जो लिरिक्स हैं उसकी जो गायकी का अंदाज़ है इनका इतना बेहतरीन है कि वो गाना अब एक मिलियन कंप्लीट कर चुका है तो देना करते हुए हम क्योंकि इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव है कि हो सकता है इनकी मेहनत यहाँ से रंग लाए क्योंकि पिछले आठ सालों से इन्होंने मुझे ऑफलाइन बताया कि आठ सालों से मैं गायकी के क्षेत्र में हूँ लेकिन जीरो सब्सक्राइबर के चैनल पर मेरा गाना लॉन्च होता है और एक मिलियन वो हिट करता है तो यहाँ से इनका कैरियर भी एक शेप में हो सकता है आ जाए ये सारा दारोमदार इनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आरती बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे दर्शकों को पहले आप वो गाना सुनाइए जिसने तहलका मचा के रख दिया है और एक मिलियन हिट हुआ आप लोगों ने केक काट के उसे सेलिब्रेट किया है मैं गायिका आरती भारद्वाज जिला आजमगढ़ से आप सभी को सादर प्रणाम करती हूं छोड़ी देता सैया पियल दारू बियारिया वाह छोड़ी देता राजा पियल दारू बियारिया नहीं खे जुटात घर में दाल तार करिया नहीं छोटे लड़का हमारे बगारी बचवन के मुंह देखा रहन ला सुधारी बचवन के मुंह देखा रहन ला सुधारी फाट पेरत बनी ना बाटेड़िया फट पही बनी क्या बाते? ना बाट घर में दाल तार घर में दाल तार गजब आवाज है आरती की मैं कब से परेशान था ये सोच रहा था कि आखिर जीरो सब्सक्राइबर वाले चैनल पे कोई गाना अगर कोई लॉन्च करने का साहस करे तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो आरती की आवाज़ है और उनकी आवाज़ की जो मिठास है वो ऐसी है कि जीरो सब्सक्राइबर वाला चैनल भी एक मिलियन हिट करा देता है एक मिलियन से ज़्यादा लोग अब तक उस गाने को देख चुके हैं और अभी आगे भी वो चल ही रहा है और भी लोग उसे देखेंगे तो आरती आठ साल हो गए आपको है ना तो क्या सोचकर इस लाइन में आई थी मतलब किसे देख करके लगा कि मुझे भी इनके जैसा कुछ करना चाहिए और वहाँ से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया कि नहीं चलो मैं भी गायकी के क्षेत्र में उतरती हूँ मुझे गाय की लाइन बहुत पसंद है और मैं सबसे ज्यादा गाना सुनती हूँ तो कल्पना जी का सुनती हूँ अच्छा कल्पना जी की आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती है जी अच्छा तो घर में कभी किसी ने रोका टोका नहीं कि पढ़ाई लिखाई कर रही हो उस पे उस पे ही ध्यान दो इधर उधर डाइवर्ट मत करो लड़कियों के लिए फील्ड सही नहीं है ये तो मेरे शादी के बाद हुआ है मेरे हस्बैंड भी हस्बैंड जी भी गाते हैं तो हम लोग साथ में ही रहते हैं जी मामला यहाँ से है हस्बैंड भी गायक हैं तो दोनों का चल जाता है है ना नहीं तो कहते कहाँ जा रही गाना गाने <laughs> अच्छा चलिए ये अच्छा है आपके लिए कि आप दोनों लोग कलाकार हैं तो ये कलाकार दूसरे कलाकार की भावना को अच्छे से समझते हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाता है उनका। जी जी बहुत पूरा फुल सपोर्ट मिलता है सबसे ज्यादा तो शादी के बाद ही गाना शुरू किया जी अच्छा कब हुई शादी सन दो में चलिए आगे की बातचीत करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी फेवरेट सिंगर जो कल्पना जी हैं की आवाज़ सुन करके आपने इस फील्ड में कदम रखा है तो उनका एक गाना सुना दीजिए नई झुलनी के छैया बलम दुपा हरिया ला हो नई झुलनी के छैया बलम दुपा हरिया ला हो बिताईला दोपहरिया बिताइला आवा बिताला दोपहरिया बिताइला नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला हो नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताईला हो वार्ती कमाल की आवाज़ है यार हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे गाती रहें हम लोग सुनते रहें हमारे दर्शक भी सुनते रहें है ना अच्छा ये बताइए कि दो हजार में शादी होगी बच्चे वगैरह हैं जी दो बच्चे हैं तो फिर ये गायकी वगैरह के लिए वक्त मिल पाता है मिल पाता है सब कुछ हो जाता है मैनेज हम सब कुछ मैनेज कर लेते, लेते हैं घर वाले भी सपोर्ट करते हैं कितना गाना गाया होगा अब तक गाना तो बहुत गाए हैं सर कई हज़ार से ऊपर हो गया होगा हज़ार से ऊपर तो अमूमन जैसे बड़े बड़े जो स्थापित कलाकार हैं आज के डेट में मैं कहूँ तो उनको कुछ एक गानों में ही इस तरह से बढ़िया ब्रेक मिल जाता है वो प्रसिद्ध हो जाते हैं और फिर उनका कैरियर बन जाता है आप आठ साल से गा रहे हैं हज़ारों गाने गाए हैं तो ऐसा क्या रहा कि आवाज़ बेहतरीन होने के बावजूद भी अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया बात तो सही है आपकी सबकी अपना अपना नसीब होता है सर नसीब होता है जी। अच्छा ये नसीब का ही दोष है कि कुछ अपनी भी कमी है क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे आ, कलाकारों के अंदर वो प्रतिभा तो है लेकिन जगह सही नहीं चूज़ करते वो है ना गायकी के लिए जैसे हमारे कोई बिहार से जैसे आजमगढ़ के जो पूर्व सांसद रहे गाज़ीपुर के दिनेश लाल यादव ने हुआ और तमाम लोग वो मुंबई जाते हैं वहाँ किस्मत आजमाते हैं है ना तो वहाँ जाके एल्बम रिलीज़ करते हैं बिहार वगैरह जाते हैं तो आप लोग आजमगढ़ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो लगता है कि आजमगढ़ में करके मेहनत सफल हो जाएगा देखिए अब भगवान जाने क्या होता है लेकिन अब सपोर्ट में सभी लोग लगे हैं देखिए आगे क्या होता है इसमें किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं वगैरह मिल रही हैं आपको सब सुविधाएं मिलती है ऐसी कोई बात नहीं आसानी से राइटर वगैरह और एडिटर वगैरह कम्पोजर सब सब मिल जाते हैं यहाँ पे जी सब लोग मिल जाते हैं अच्छा हम लोग बैठे तो एक स्टूडियो में है खैर सारे लोग जरूर होंगे यहाँ पे और सबसे ज्यादा सपोर्ट भी जो किए हैं बड़े भैया अमरजीत विश्वकर्मा जी वो भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं और करते थे पहले भी करते थे और आज भी करते हैं और सब उन्हीं का जो कि ये गाना मिक्स हुआ है और उन्हीं उन्हीं के स्टूडियो से ये सूर सम्राज स्टूडियो से ये गाना हुआ है लॉन्च कहते हैं ना कि मतलब अगर किसी गाने पे जैसे कि कोई उम्मीद ना हो वो गाना इतना चला जाए तो बड़ी खुशी की बात होती है आज पूरे अश्लीलता भरे दौर में अगर एक साफ सुथरा और स्वच्छ गाना अगर हिट हो जा रहा है एक मिलियन चला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अच्छे सुनने वाले भी लोग हैं जी जी है ना जी तो आपको लगता है कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा आपके करियर के लिए आगे आने वाले जो भी गाने होंगे वो सब धमाल मचाएंगे जी पक्का भरोसा है पक्का जी भरोसा तो है चलिए इस भरोसे को कायम रखते हुए एक गाना सुना दीजिए हां जमगढ़ के भুইया बाबू आजमगढ़ के भুইया हो क्या बात है हां जमगढ़ के भুইया बाबू के तान महान बा इजिलवे न होवे पूरे देशवा के सान बा इज लवे पूरे पुरे के सानबा बा आजमगढ़ के भुइया बाबू आजमगढ़ के भुइया हा आजमगढ़ के भूया बाबू के ताना महान बाजिलबे नहावे पुरे दिसवा केसान बा लवे नहावे पूरे के सानबा। अच्छा आरती क्या लगता है आपको जैसे आगे अपने करियर में आप सोचा फिल्मों में गाना गाएंगी किसी तरह से एल्बम में ही गाती रहेंगी आ, जैसे बहुत सारे आ, सिंगर हैं भोजपुरी में मैं बहुत ज़्यादा को तो नहीं जानता लेकिन शिल्पी राज के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो कुछ उन्हीं के जैसा करना है या फिर जैसे कल्पना जी का आपने नाम लिया वो साफ़ सुथरा गाना गाती हैं क्लासिकल सिंगिंग करती हैं तो उनके जैसा करना है जैसे क्या है ना भैया कि हम भी सोचते हैं कि साफ़ सुथरा गाना गाएं लेकिन हमारा काम ही यही है जब किसी और के साथ में गाना पड़ता है तो भोजपुरी गाना पड़ता है इधर उधर का गाना गाना बुरा थोड़ा ही ना है हाँ वो तो है ही तो गाना पड़ता है अलग अलग मोड है अलग अलग दर्शक हैं किसी अलग को ये अच्छा है, लगता हाँ। है किसी को वो अच्छा लगता है जी। है ना जी सही बात है। अच्छा एक बड़ा जरूरी सवाल है जैसे स्थापित कलाकारों की बात करें तो उनको एक एक जो कंपनियां रहती हैं किसी को पाँच लाख किसी को तीन लाख किसी को दो लाख किसी को एक लाख किसी को पचास हजार तो आप लोगों को भी कुछ मिलता है कि घर से ही लगाना पड़ता है जैसे जो अपने चैनल का काम करते हैं हम लोग तो अपने घर से ही लगाते हैं अच्छा, बाकी और... जैसे तमाम जो कंपनियां है म्यूजिक की अगर वो ऑफर करते हैं कि चलो आरती आओ हमारे लिए कर पाती है आप लोग कर लेते हैं आसानी से कर लेते हैं सर आसानी से कर लेते हैं अच्छा आपके पति भी भोजपुरी गाना ही गाते हैं जी वो भी भोजपुरी गाना गाते है अब ये तो नहीं पता हाँ? कई ऐसा तो नहीं है कि आप ज्यादा बढ़िया गाती हैं तो उनके मन में खींच जाता हो कि नहीं आरती हमसे आगे निकल जाएगी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं अगर ऐसा वो सोचते तो कौन, तो कौन, हम... बढ़िया गाता? ना वो <laughs> क्या सोचेंगे तो बात बात ये हम नहीं बता पाएंगे <laughs> <आम से> अच्छा <laughs> ये धर्म संकट वाला सवाल है हर पत्नी अपने पति को कैसे कह सकती कि खराब बात है चलिए एक गाना और हो जाए कोई नजरिया बचा के दबे पाव यही नजरिया बचा के 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 पाला के के पाला के के पाला, के, के पाला अगर बंद पैह सिकड़िया बजई हाँ नजरिया चुरा के दबे पाँवय हा पाँवयी हाँ जई हा नया के क्या खूब गाना गाया आपने कि दबे दबे पाँव आएगा तो पता भी नहीं चलेगा और सिकड़िया अगर नजरिया बजा बच बचाएगा तो बजा नहीं पाएगा। खैर अच्छी बात है एक और गाना हो जाए कि आज अजह हाँ पहला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हो हमार अंग अंगुला बुनियन खिलाल बदनवा आज अजह हाँ पहला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमार अंग खिलाल बुनियन बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखदे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होख दी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवन होख दी आज राजा जी के कोरवे में जवन होख दी चले साथियों ये हैं आरती भारद्वाज जिनसे हमने अलग अलग टेस्ट के गाने गवाए हैं और इनके चैनल आरती ऑफिशियल पर आरती भारद्वाज ऑफिशियल पर एक गाना भी एक मिलियन हुआ है जिसका इन्होंने रस्म अदागी के तौर पर इन लोगों ने केक काट कर सेलिब्रेट किया है और अंत में मैं चाहूँगा कि आप अपनी पूरी उस गाने की जो यूनिट थी उसका नाम ले लें ताकि कोई ये ना कहे कि आरती भारद्वाज ने खाली अकेले क्रेडिट ले लिया गाने का इस गाने का नाम है जो गाना मेरा मिलियन गया है छोड़ी देता सैया पी एल दारू बियरिया किसने किस लिखा ये रवि सिपाही लिखे हैं और सूर सम्राज्य स्टूडियो पे ये गाना गाया गया है और इसको इसको मिक्स किए हैं बड़े भैया अमरजीत विश्वकर्मा जी जो कि बहुत सहयोग करते हैं हम लोगों का बहुत साथ देते हैं और और सबसे ज्यादा सहयोगी मेरे हस्बैंड जी, है, जी। हैं अनिल भोजपुरिया जी सबसे ज्यादा हैं इनका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है अच्छा। और हमारे कैमरामैन भी आशीष यादव जी वो भी बहुत मेहनत किए हैं पोस्टर डिजाइनर विशाल बाबू वो भी बहुत मेहनत किए हैं और इडिटर एडिटर बड़े रवि रुद्रा जी वो भी बहुत मेहनत किए हैं इस गाने पे जो भी है टूटा फूटा सब आप सबके सामने है लेकिन क्या है कि ये सामाजिक गीत है आप सभी लोगों ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया इसके लिए बहुत बहुत लिए धन्यवाद पूरे इंटायर यूनिट को बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप ऐसे ही गाते रहिए और आजमगढ़ जिले का और अपने घर परिवार और अपना नाम रोशन करते रहिए बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद सीआई इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाए ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे